दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ मी मोहित लिसारी एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल। दोस्तों, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो किसी कंपनी की होती है, वहाँ पर मतलब होता है कि जो वीलो कॉरपोरेट है वो पियर्स किया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर वो व्हील ऑफ कॉर्पोरेट को लिफ्ट किया जा सकता है, ठीक। और जो कंपनी होती है, जो कॉरपोरेशन होता है, उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो होती है उस तक ना रह करके उसके कर्ता धर्ता जो होते हैं वहाँ तक वो लायबल हो जाती है, ठीक है। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी में बदल जाती है। उसी में से एक एक्सेप्शन होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ रिवेन्यू, मतलब टैक्स से बचने के लिए, इवेजन ऑफ टैक्स से बचने के लिए, सरकमवेंट ऑफ टैक्स ऑब्लिगेशन, ठीक। इस केस में यहाँ पर हमारे सामने केस है इनरे सर दिनसा मैनेजी पतित, ठीक। इनरे का मतलब है यहाँ पर इन रेफरेंस। इसमें होता यह है कि जो एसएससी होते हैं, मतलब जो दिनसा मैनेजी पतित होते हैं, उनके पास डिविडेंड एंड इंटरेस्ट से जो इनकम आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, जो कि टैक्स के लायबल होता है। अब ये क्या करते हैं कि चार प्राइवेट कंपनी बना देते हैं। चार प्राइवेट कंपनी बनाने के बाद में अपना सारा इनकम का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उस कंपनी में पैसा, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद में जब सारा पैसा उन्होंने उसमें चार अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो उनका तो खुद का प्रॉफिट रहा नहीं, वो उनकी खुद की तो इनकम रही नहीं, अब वो चार अलग अलग कंपनीज की इनकम हो गई एक तरह से, मतलब जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने उसमें कर दिया। अब जो वो उसका उस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया उसमें अपनी चारों इनकम का, वो पैसा डायरेक्टली क्रेडिट होता था उन कंपनीज के बैंक अकाउंट्स में, और उन बैंक जो भी प्रॉफिट होता था उन कंपनीज का बाकी आगे चल के, और उन बैंक अकाउंट्स में से जो पैसा वो वापस इनरे, जो वापस दिनसा मैनेजर पतित के पास में एज अ प्रिटेंड लोन जाता था। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रिटेंड लोन, मतलब एक्चुअल में लोन था नहीं, वो दिखावे का लोन था, प्रिटेंड लोन, ठीक है। तो वो एज अ लोन के रूप में कंपनी के अकाउंट से निकल के पतित साहब के पास में आ जाता था, ठीक है। अब ऐसे करके वो अपने टैक्स ऑब्लिगेशन से बच जाते थे और रिवेन्यू का बेनिफिट ले लेते, ठीक। मामला कोर्ट में जब गया, कोर्ट ने कहा कि साफ साफ सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए साफ दिखाई दे रहा है कि मामला इवेजन ऑफ टैक्स का है, ठीक, फॉर द बेनिफिट ऑफ रिवेन्यू है, और सर्कमवेंट ऑफ टैक्स ऑब्लिगेशन है। इन सब को देखते हुए कंपनी जो है उसकी सेपरेट, क्योंकि कंपनी को लायबल ठहराते अगर व्हील ऑफ कॉर्पोरेट को पियर्स किया जाता, तो उसकी एग्जिस्टेंस को हम यहाँ पर नहीं मानते हैं, व्हील ऑफ कॉर्पोरेट को हम यहाँ पर लिफ्ट करते हैं और लायबल ठहराते हैं जो ये दिनसा मैनेजर पतित हैं, ना कि कंपनी को, क्योंकि व्हील ऑफ कॉर्पोरेट वहाँ पर लिफ्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, फैक्ट्स इशू जजमेंट यही था आपके सामने इस केस के। बहुत ही अच्छा केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है और इम्पोर्टेंट भी है सभी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।